देखिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जब थे तब तो मैं रानी थी, कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी हो जाएगा। अच्छा, तो आपका एम एच टूटना चाहूँगी, बीच में प्रेम विवाह हुआ था क्या मैम? प्रपोजल आई थी, लव मैरिज नहीं थी, लेकिन आपने उनको देखा तो तब ये लगा कि हाँ ब्याह कर लेना चाहिए इनपे। और सुरेंद्र बहुत ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। सारे जितने कार्यकर्ता हबीबा के पुराने थे, विलय भी मैंने ही करवाया था पार्टी का कांग्रेस के अंदर। अच्छा, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल के जाने के बाद एक महिला के तौर पर आपको किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़े राजनीति में या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी? देखिए चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जब थे तब तो मैं रानी थी, किसी तरह की कोई वो नहीं थी, दिल्ली की राजनीति मैं करती थी और कोई किसी तरह की परेशानी और वो चिंता वाली बात ही नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी हो जाएगा। अच्छा, तो आपका एम एच टूटना चाहूँगी, बीच में प्रेम विवाह हुआ था क्या मैम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चंडीगढ़ के अंदर ये मैं अपना लॉ कर रही थी, लॉ नहीं कर रही थी, चंडीगढ़ में आई हैड गॉन फॉर अ डिबेट, हाँ डिबेट के लिए मैं गई थी ऑन लाला लाजपत राय। सो उस समय आई थिंक सुरेंद्र जी सॉ मी समवेयर एंड फिर उनकी तरफ से वो जो है प्रपोजल आई थी, लव मैरिज नहीं थी, लेकिन आपने उनको देखा तो तब ये लगा कि हाँ ब्याह कर लेना चाहिए इनसे। और सुरेंद्र तो बहुत ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन एंड उसके अलावा बहुत ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, गुड मैन, उस जैसा व्यक्ति जो है मैं कहती हूँ ना, मेरा सौभाग्य था कि मेरे को एक पति के रूप में मिले वो। और फिर उनके जाने के बाद, चौधरी बंसीलाल के जाने के बाद, उन चैलेंज पर हम बात कर रहे थे मैम, फिर वो किस तरह से रहे? अब उनके चले जाने के बाद तो जो हालात इस तरह से पैदा हो गए कि यहाँ पर आप जानते हो एक बहुत बड़ी विरासत चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी छोड़ कर गए, और इस विरासत को संभालने के लिए जो कोई भी नहीं थे ऐसे, उस लायक ही नहीं थे, सो इसलिए जो है सोनिया जी ने मुझे यहाँ पर भेजा दिल्ली से और मैं यहाँ पर आई। और ये आपने ये जो है सारे जितने कार्यकर्ता हबीबा के पुराने थे, विलय भी मैंने ही करवाया था पार्टी का कांग्रेस के अंदर उस समय 2004 में, तो उसको फिर उनको मैंने संभाला। आज वो जो हैं सारे हर गांव-गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता जो हैं आज भी वैसे ही खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर। तो ये मैं उनको सलाम करती हूँ कि इस तरह के लोग जो हैं, सुरेंद्र सिंह जी के साथ उन्होंने काम करा, वो उन्होंने दूसरी जगह देखी नहीं।